स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। पिछले साल में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और अब कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को, और कैसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, एसे राइटिंग का क्या फॉर्मेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड आप नीचे देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, ये मैं एंड पिछले 5 सालों से मैं बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम पर काम कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा एप्लीकेशन जीके डाइजेस्ट अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा ये एप्लीकेशन है जीके डाइजेस्ट, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। इस पर हम रोज़ाना बहुत अच्छी वीडियोज़ डालते हैं, बहुत अच्छा PDF नोट्स डाल रहे हैं, रेगुलर आपको क्विजेज मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, बहुत कुछ फ्री मटीरियल मिलेगा आपको। तो जीके डाइजेस्ट हमारी एप्लीकेशन का नाम है और ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे कमेंट्स का मैं रिप्लाई रेगुलर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर राइटिंग में पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था ये पिछले जो सारे स्लॉट्स में से मैंने 5 लेटर आपको निकाल के दी हैं। पहली बात तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं, जनरल होता है और टेक्निकल होता है। तो पहले बात करते हैं लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर रिगार्डिंग द रीडर्स सेक्शन। रीडर्स का एक सेक्शन होता है, कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर होता है, चाहे वो द हिंदू हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हो, उसमें एक रीडर्स का कॉलम होता है। आपने जो बंदा लेटर लिख रहा है उसके शूज में स्टेप करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि मैं अगर ये लेटर लिखता तो कैसे लिखता। ऑब्वियसली मैं लिखता कि अगर मैं इस बंदे की जगह होता तो मैं लिखता कि सर इससे क्या होगा, सपोज द हिंदू की बात करूं, द हिंदू साउथ में ज़्यादा चलता है, साउथ का न्यूज़पेपर है। अगर मैं कहूं कि मैं इसका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं एंड लुधियाना में कोई बहुत अच्छा इवेंट हुआ है और उसके बारे में मैं एक आर्टिकल शेयर करना चाहता हूं, द हिंदू के ज्यादा जर्नलिस्ट यहाँ पे लुधियाना में नहीं है। अगर मैं एज अ सिटीजन जर्नलिस्ट या एज अ रीडर सेक्शन हो और मेरा आर्टिकल वहां पे हो तो यहाँ के लोग भी उसे फॉलो करेंगे, तो इससे न्यूज़पेपर को फायदा होगा। और ये चीज आपको अपनी लेटर में लिखनी है, एडवांटेज क्या है, न्यूज़पेपर को क्या एडवांटेज मिलेगा रीडर सेक्शन होने से, और रीडर सेक्शन के को इलाज करने में क्या फायदा। तो बेसिकली ये एक जनरल टॉपिक था। अगर आपको टेक्निकल टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता है, 3 टॉपिक होते हैं, 3 टॉपिक में से आपको 1 टॉपिक के बारे में लिखना होता है, 3 की चॉइस होती है। दूसरा जो था लोकपाल बिल, ये थोड़ा टेक्निकल था। अगर आपको लोकपाल बिल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता लोकपाल बिल क्या होता है, या नॉर्मली एक जनरल आइडिया ही नहीं है कि बिल कैसे पास होता है, लॉ कैसे बनता है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, पॉलिटिकल साइंस आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो ये मत कीजिए। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट का आइडिया है, इसका बैकग्राउंड का पता है कि कैसे कैसे लोकपाल बिल के बारे में जो अन्ना हजारे जी ने भी करा था अग्रेशन की, कैसे इसको पास कराना है, क्या होना है, बहुत देर से लटका हुआ है बिल, इसके बारे में आप थोड़े से इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो इसको ज़रूर करिए। अगर टेक्निकल टॉपिक के बारे में आप लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसके थोड़े एक्स्ट्रा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप रिलेट कर पाते हैं, जो लिखते हैं वो मतलब का लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्टिव में आपने जो लिखना है वो मतलब का लिखना है, काम की चीज़ लिखनी है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। लेकिन अगर टॉपिक ही जनरल है उसमें भी कोशिश कीजिए, जैसे रीडर का सेक्शन है इसमें भी एक तरीके से लिखिए। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम बतानी है, ये प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन है, एंड उसके बाद आपने उस सॉल्यूशन का एक रिक्वेस्ट डाल देना है, सर ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है, आप प्लीज ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर दें। ये एक सर्कल चलता है, ये एक साइकिल है, ये आपने पूरा अपना लेटर है जो वो इस हिसाब से लिखना है, पहले प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन बताएं आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है, तीसरा एक रिक्वेस्ट डालें कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये इंप्लीमेंट कर दें आप। इसके बाद आते हैं लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर रिगार्डिंग द नॉइस पोल्यूशन इन योर सिटी। ये फिर से एक जनरल टॉपिक आ गया है। पहली बात, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगेन 3 स्टेप है, प्रॉब्लम पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सॉल्यूशन, तीसरा स्टेप रिक्वेस्ट। प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, एक तो कार्स की हॉकिंग होती है या इवेंट्स होते हैं, कार्स का हॉकिंग होती है या लोगों ने पावर हॉर्न लगाए हुए हैं,
ठीक है, कार्स में पावर हॉर्न्स हैं, प्रेशर हॉर्न्स हैं, पावर हॉर्न्स जिसको बोलते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, या इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, जागरण होते हैं, जगराते होते हैं, जागरण पे तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन शादियों वगैरह में लॉ बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया हुआ है कि 10 बजे के बाद एक आप लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते, एक पर्टिकुलर डेसिबल से 80 डेसिबल से ज़्यादा ऐसे नहीं बजा सकते, तो उस चीज़ का अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो कौन कराएगा इम्प्लीमेंट? आप न्यूज़ पे, ये एक प्रॉब्लम है कि पावर लोग कार्स में पावर हॉर्न लगाते हैं, ये एक आपने कोई भी पकड़ लिया, ये एक प्रॉब्लम बता दें, इसका सोल्यूशन क्या है कि सर कार में पावर हॉर्न होते हैं और पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस इसको चेक नहीं कर रही है या जो पेनल्टी है वो बहुत कम है, प्लीज़ सरकार के नोटिस में या ट्रैफिक पुलिस के नोटिस में लाया जाए, आप फोटोज खींचें और आप एक इन्वेस्टिगेशन करें, रिपोर्ट बनाएं और अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करें कि पावर ऑन होते हैं, और ताकि ट्रैफिक पुलिस के ध्यान में आए कि यस हमें ये करना चाहिए। तो ये सोल्यूशन है, और साथ में रिक्वेस्ट भी दे दी कि आप अपने न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करें इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करें। तो ये एक साइकिल यहाँ पे भी चला, प्रॉब्लम सोल्यूशन रिक्वेस्ट। उसके बाद एक टॉपिक आया था कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी के को एक लेटर लिखा था अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लोकपाल बिल जितना टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर कौन कौन सी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एंड ज़्यादा किसके पास हैं, कम किसके पास हैं, और इंडिया के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो किस किस कंट्री से इंडिया को खतरा है, राइट? आज की डेट में जैसे जिसके पास जितने ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है वो उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, कोई भी मतलब जैसे पाकिस्तान इंडिया को धमकी दे देती है कि हम आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, न्यूक्लियर का अटैक कर देंगे, नॉर्थ कोरिया कह देता है हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम अमेरिका पे कर देंगे अटैक। तो ये सारी प्रॉब्लम का यूएन के पास ये प्रॉब्लम लेके गए हैं कि नए नए ये जो हर कंट्री नए नए न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए, हर 10 दिन बाद कोई नई कंट्री एक न्यूक्लियर बॉम्ब का एक टेस्ट कर देती है, तो उससे वो अपना एक पावर दिखा रही है, अपनी क्षमता दिखा रही है कि हमारे पास ये है, हमसे कोई पंगा लेगा तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े। ये एक बहुत गलत कल्चर चल रहा है, इसके बारे में ये बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक है, अगर आप इसके बारे में आपको थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन है कि थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और कौन मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो कौन सी कंट्री इंडिया पर अटैक कर सकती हैं, तो अगर ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसके बारे में ज़रूर लिखिए। कुछ एक कंट्री है नेपाल भूटान जहाँ पे चांसेस कम है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है, ये नहीं लिख देना कि नेपाल, अगर नेपाल के पास लिखने बैठेंगे तो आप लिखेंगे ना कौन कौन सी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर आप लिख देंगे इंडिया पाकिस्तान के साथ भूटान नेपाल लिख देंगे तो गलत है, गलत ही नहीं करनी है, ना ग्रामेटिकल ना फैक्चुअल। तीसरा, लेटर टू पुलिस कमिश्नर रिगार्डिंग द साइबर क्राइम, ये बहुत जनरल टॉपिक आ जाता है, इसमें क्या है, किस चीज की, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब किस चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट क्या हो सकती है कि आपका जी किसी ने फोन करके आपका डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का आपका पासवर्ड ले लिया और पैसे निकाल लिए, डेबिट कार्ड वगैरह फ्रॉड हो गया, पैसों का फ्रॉड हो गया। दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने फेसबुक पे किसी से बात करके कुछ खरीदा था तो मेरे को सामान नहीं मिला या पैसों का फ्रॉड हो गया, एक तो फाइनेंशियल हो सकता है। दूसरा हो गया कि फेसबुक पे लोग चैट की मिल गए तो कुछ गलत हो गया, रेप हो गया या कुछ ऐसा हो गया, कुछ अजीब सा हो गया, राइट? तो उस चीज़ का भी आप ये हो सकता है, लेकिन आपने पहले सोच के रखना है डेबिट कार्ड का, या किसी मॉल में सपोज कोई, हमारे यहाँ पे एक हुआ था लुधियाना में केस कि मॉल्स में जाते हैं तो वीडियो बन गया वहाँ पे, वो नेट पे वायरल हो गया, तो अभी जिनका वीडियो वायरल हुआ उनको नहीं पता था कि रीजन किसने किया है, ये स्टोर के ओनर ने किया कि मॉल में काम करने वालों ने किया या उस मॉल के स्टोर में काम करने वाले लोगों ने किया, कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे कौन लायबल है, तो ये पता करने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है, या तो आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने प्रॉब्लम क्या, अगेन प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन जिसने किया उसे ढूंढिए, ये मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, ऐसे ऐसे हुआ था, आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, मेरे को इस नंबर से फोन आया था, जैसे फोन का आप कह लीजिए कि एटीएम का वाला एग्जांपल लेते हैं, मेरे को जी इस नंबर से 99 इस नंबर से मेरे को फोन आया था, इतनी तारीख को आया था, मेरे पास इस बैंक का एटीएम है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा कार्ड नंबर है, ये डेट है, और मुझे मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए, एंड प्लीज आप इन लोगों को ढूंढिए,
एंड मेरे तंगी पैसे वापस आ सके। तो ये एक सोल्यूशन भी हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गई। तो ऐसे आपको एक प्रॉपर वे में लिखना है। तो अब बात करते हैं लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। ज्यादातर लोग यहां से शुरू करते हैं, ये जो टू से शुरू करते हैं कि टू रिसीवर्स नेम एड्रेस, ये नहीं करना आपको। आपको ये भी लिखना है फ्रॉम योर नेम एड्रेस मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस, जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं लेटर्स को, नॉर्मल लेटर जैसे आप लिखते हैं वैसे ही ये लेटर लिखनी है आपको। पूरा नाम एड्रेस मोबाइल नंबर ईमेल आपको सब लिखना है, लेकिन याद रखें सब कुछ डमी लिखें, डमी में लिखना है आपको। ये जो आपने लिखना है ये सब कुछ डमी होना चाहिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मत लिखिए, सब डमी लिखिए। टू रिसीवर्स नेम, ये भी जिस तरह से आपको लेटर में पूछा गया है उस तरह से आप ये सब लिख देना। यहाँ पे भी मोबाइल नंबर एड्रेस ये सब ये डमी लिखिए, डमी कोशिश कीजिए, सब जगह आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने डमी रखनी है। सब्जेक्ट जो है लिखना मेरे हिसाब से जरूरी है, हमेशा लिखिए, चाहे फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल लेटर है। डियर सर, रिस्पेक्टेड सर आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड रिस्पेक्ट दीजिए, जरूरी है। आई बैग टू स्टेट मत लिखिए, बैग नहीं कर रहे हैं आप, प्लीज बैग मत लिखिए। एंड थैंकिंग यू योर फेथफुली और सिग्नेचर, यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, नाम के साथ सिग्नेचर कर सकते हैं। अपना नाम मत लिखिए डमी, यहाँ पे भी डमी होना चाहिए। कहीं पे भी अपना कुछ भी तरीके का आपने साइन या कुछ भी सिंबल अपने, ये तो ऑब्वियसली सब डमी होगा, साइन तो कर नहीं पाएंगे ऑनलाइन, बाकी ये सारा सारा डमी लिखना है आपने, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल डमी लिखना है और इस फॉर्मेट पे आपने स्टिक करना है। यही फॉर्मेट चलेगा, ये जो एनवेलप के बाहर लिखते हैं इसको एनवेलप के बाहर लिखते हैं नॉर्मली, तो इसको आपने लेटर में लिखना है। इसके मार्क्स, फॉर्मेट के मार्क्स लेटर राइटिंग में होते हैं, अगर फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेटर राइटिंग के लिए ये है कि सबसे पहले तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि आपने पहले देखना है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपने बतानी है पहले, फिर उसका सोल्यूशन क्या है ये आपने बताना है, डिटेल बतानी है पूरी। उसके बाद में आपने रिक्वेस्ट कर देना है, सर प्लीज ये मेरी प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है, प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरा, फॉर्मेट के हिसाब से लिखिए, बिल्कुल फॉर्मेट से आगे पीछे मत होइए, फॉर्मेट के हिसाब से पूरा पूरा लिखिए। तीसरा, थोड़ा प्लान कीजिए, अपनी लेटर को प्लान करके लिखिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं ये चार पांच जो चीजें हैं मैं कवर करने वाला हूँ, ये पूरा एक प्रॉपर प्लान कीजिए। बिना प्लानिंग के आप कुछ भी लिखेंगे, हम भी आर्टिकल लिखते हैं सारा दिन, हमने अगर 600 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, तो लिखने से पहले हमारा प्लान होता है कि हमने ऐसे पूरा कवर करना है। अगर आप अनप्लान्ड वे में लिखेंगे तो अगर बाद में आप वर्ड्स के हिसाब से लिखेंगे कि यार ये तो मेरे 100 वर्ड्स कम रह गए, फिर आप फालतू की बातें लिखेंगे जो बेतुकी हैं, उससे मार्क्स फट जाते हैं। पहले तो ये आ गया, फिर फॉर्मेट आ गया, फिर प्लान आ गया, फिर ग्रामर एरर्स मत कीजिए, एरर फ्री रखिए अपनी लेटर को, एरर फ्री रखिए, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं चाहिए, कोई स्पेलिंग एरर नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा मेन पॉइंटर्स है। और एक पांचवा ये टिप मैं दूंगा, जनरल और टेक्निकल दो टाइप के होते हैं, इसमें से अगर आपको टेक्निकल टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो जनरल पिक कीजिए, अगर आपको जनरल के बारे टेक्निकल के बारे में नॉलेज है तो टेक्निकल पिक कीजिए, राइट। कभी भी अगर आपको टेक्निकल के बारे टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो टेक्निकल टॉपिक मत पिक कीजिए। तो चलिए ऐसे राइटिंग के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर ये हमारे पास टॉपिक्स आए थे, पेड जर्नलिज्म का टॉपिक था। पेड जर्नलिज्म जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर ये बहुत एक्टिव था ये टॉपिक, क्योंकि बहुत एलिगेशंस लग रहे थे एनडीटीवी पे, टाइम्स नाउ पे, सब पे एलिगेशन लग रहे थे कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है। तो एक्चुअली जब ये एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था तब इलेक्शंस का थोड़ा दौर चल रहा था, तो ये इसलिए टॉपिक आ गया। तो पेड जर्नलिज्म उस टाइम पे चल रहा था टॉपिक, इस पे क्या क्या लिख सकते थे, ऐसे क्या पूरा फॉर्मेट की तरह लिखना है इसको। पहले तो आपने पूरा प्लान करके चलना है, अगर आप 1000 वर्ड की को कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पूरा प्लान करना होगा, 1500 वर्ड का लिख रहे हैं तो आपको प्लान करना होगा, पहले इंट्रो करना देना पड़ेगा। सबसे पहले आप इंट्रो देंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इट इज, व्हाट इट एक्चुअली इज, है क्या, फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे पेड जर्नलिज्म है क्या कि सर ऐसे कोई आपने मुझे पैसे दे दिए और बैंक एग्जाम छोड़े पे मैंने इस बंदे के खिलाफ लिख दिया, या ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था मैंने उसके बारे में लिख दिया, तो ये इंट्रो होगी। साथ में प्रॉब्लम्स लिख दिया, उसका सोल्यूशन क्या है,
सोल्यूशन या आप कह सकते हैं कंक्लूजन। इन तीन तरीकों तीन पार्ट्स में आपने बांट लेना है, चाहे लेटर राइटिंग है, चाहे एसे राइटिंग है, चाहे पैराग्राफ राइटिंग है, कुछ भी आप लिखते हैं। मैं सबको यही बोलता हूं कि अपने पूरे जो आपको कंटेंट है उसको तीन हिस्सों में बांट लें, इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम है, उसके बाद सोल्यूशन या कंक्लूजन। एक प्रॉब्लम बताना जरूरी है और उसका सोल्यूशन बताना भी जरूरी है। इज इट राइट टू इंट्रूड इन टू द लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज? पहले आप ये चीज आप ध्यान में रख लें, अगर आप ऐसा एक टॉपिक आ जाता है ये पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटीज वाला, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप इसके हक में हैं, वेदर यू आर इन द फेवर, आप फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं, आप फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं। हाँ, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं। अगर आप इसके फेवर में हैं तो आप क्या लिखेंगे? पॉलिटिशियन, उन्होंने हमसे वादे किए हैं पॉलिटिशियन से कि हम सरकारी पैसा लेके सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बहुत सारे वादे किए हैं। कल को अगर वो सारा पैसा लेके अपने आप पे खर्च कर लेते हैं तो कौन जिम्मेवार है? अगर आप उन पे हमने उनके बारे में नहीं पढ़ते तो ये हमारी अनगहली हो जाएगी, हमारी तरफ से एक लैग हो जाएगा कि हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारा राइट बनता है कि पॉलिटिशियन की लाइफ कैसी है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर मैं ये जान रहा हूँ तो ये मेरा राइट है। और जो न्यूज़पेपर्स हैं या मीडिया है, ये उसकी ड्यूटी है कि ये मेरा जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे प्रोवाइड करवाएं, और वो करवाते हैं। तो ये तो इन फेवर हो गया। अगेंस्ट इसके बारे में लिखना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो अगेंस्ट में आप तीन चार इंसिडेंट्स लिख सकते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में कैसे इंट्रूड होता है, लेकिन ज़्यादा इसमें टॉपिक है नहीं अगेंस्ट लिखने में। इसके फेवर में ही लिखें कि ठीक है, इंट्रूड करना बिल्कुल ठीक है, तो ज़्यादा आपको कॉन्टेंट मिल सकता था। रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के बारे में बहुत अच्छी स्कीम्स आई हैं, जैसे मुद्रा स्कीम आई है, ये लोन की स्कीम थी, स्टार्टअप इंडिया आई थी, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी स्कीम आई थी लास्ट ईयर। ये बहुत एक हॉट टॉपिक चल रहा था कि जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है स्टार्टअप्स के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए भी थे, मतलब ये तो फुल फ्लेज्ड ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए थे, स्टार्टअप्स के लिए। तो अगर आपको ये पांच छह स्कीम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं था इन पांच छह स्कीम्स के बारे में, तो आप इसके बारे में ऑब्वियसली ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तीन आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तीन में से आपको सिर्फ एक सेलेक्ट करना होता है। तो ये इसको मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ये तो जनरल चल रहे थे, ये जनरल है, ये भी जनरल है एंड ये भी जनरल है। बाकी ऐसे राइटिंग में एक दो टेक्निकल आ जाते हैं और एक दो जनरल आ जाते हैं, बाकी टोटल तीन टॉपिक आते हैं। फेस्टिवल्स एज अ मीन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे दीपावली है पूरे इंडिया में मनाया जाता है, दिवाली यहाँ पे कहते हैं उसे, तो ये कैसे अलग अलग त्यौहार हैं वो कैसे नेशनल इंटीग्रेशन नेशन को इंटीग्रेट करते हैं। कुछ एक जैसे साउथ के त्यौहार है, क्रिसमस है, पहले यहाँ पे नहीं मनाई जाती थी लेकिन आजकल लोग मनाने लग गए हैं, क्रिसमस जाते हैं रात को, या पंजाब में पहले नहीं था चलन, अब होने लग गया इंटरनेट की वजह से, टीवी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये चलन हो गया है। तो इसके बारे में आपको अलग अलग पॉइंट सोचने पड़ेंगे कि फेस्टिवल जो है उससे नेशन अपना कैसे इंटीग्रेट होता है। हमें पता चलता है दूसरे कल्चर्स के बारे में कि साउथ में क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या लोग खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, तो हमारा एक प्यार बनता है। अगर प्यार बनता है, हम एक सिंपथीज होती हैं, अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो सिंपथी होती है। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, ये सब हेल्प करता है नेशनल इंटीग्रेशन में। तो ज़्यादा कुछ लिखने लायक नहीं है, पेड जर्नलिज्म में लिखने लायक बहुत कुछ था, पॉलिटिशियन की लाइफ में इंट्रूड करने वाले टॉपिक में लिखने लायक बहुत कुछ था, रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में तो ऑब्वियसली बहुत कुछ है अगर आपको बताया तो। और ज़्यादातर जो टॉपिक होते हैं वो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो करंटली ट्रेंडिंग होते हैं टॉपिक्स, पिछले दो तीन महीने में जो ट्रेंड में होते हैं, जैसे अभी IDBI नई ब्रांचेस नहीं खोल सकता, ये टॉपिक बहुत हॉट चल रहा है, या किंग फिशर वाले माल्या साहब हमारे पैसे लेके इंडिया के सारे भाग गए हैं 9,000 करोड़, 9,500 करोड़, वो बहुत हॉट टॉपिक है, सहारा वाले ने पैसे खाए हैं। तो ये एक NPA, मेरे हिसाब से NPA एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार का जो हॉट टॉपिक है ऐसे राइटिंग का वो है NPA। गारंटी देता हूं एक टॉपिक NPA का जरूर होगा इस साल, NPA का एक टॉपिक जरूर होगा, NPA या डीमोनेटाइजेशन का, NPA या
डीमोनेटाइजेशन का, ये मैं लिख के देता हूं, ये मेरी तरह से गारंटी है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब चल रही है, लेकिन एनपीए या डीमोनेटाइजेशन इन दोनों में से एक टॉपिक पे ऐसे राइटिंग जरूर आएगा, एनपीए और डीमोनेटाइजेशन लिख के रख लीजिए। इन दोनों टॉपिक पे आप अच्छे से तैयार कीजिए, एनपीए और डीमोनेटाइजेशन पे दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, एनपीए और डीमोनेटाइजेशन। टोटल मैंने 6 बार बोल दिया है एनपीए और डीमोनेटाइजेशन, और मैंने लिख के दिया है, और ये वीडियो मैं आपके एग्जाम के बाद जरूर देखिए, मैं ये रिवाइंड करूंगा, शेयर करूंगा। और टिप्स क्या है मेरी तरफ से, कुछ भी ऐसा टॉपिक मत पिक कीजिए, स्पेशली मैं बोलूंगा कि ऐसा ऐसे बिल्कुल मत पिक कीजिए, ऐसे या लेटर जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। जनरल टाइप के टॉपिक्स होते हैं और टेक्निकल होते हैं, अगर आपको टेक्निकल के बारे में नॉलेज नहीं है तो जनरल पिक कर लो, दैट्स इट। स्टैंडर्ड लेटर राइटिंग में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, वो बिल्कुल फॉलो करें, उससे ना हिलें बिल्कुल भी। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऑब्वियसली अवॉइड करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स को ऑब्वियसली अवॉइड करें। और एक यहाँ पे एक दो पॉइंट रह गए हैं, चीज़ों को प्लान करें, जो लिख रहे हैं उसे प्लान करें। प्लान कैसे होगा, एक फ्लो में लिखें, प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम के बाद उसका सोल्यूशन बताएं, फिर उसका एक रिक्वेस्ट, अगर तो लेटर है तो रिक्वेस्ट होगी, ऐसे है तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन ही होगा। अगर ऐसे है तो उसमें थोड़ी चीज ऐडअप हो जाएगी, ऐसे है तो इंट्रो ऐड हो जाएगा और एंड में कंक्लूजन ऐड हो जाएगा। ऐसे है तो फर्स्ट वन इज इंट्रो, सेकंड वन इज प्रॉब्लम, थर्ड वन इज सोल्यूशन, फोर्थ वन इज कंक्लूजन। अगर लेटर है तो प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड रिक्वेस्ट। तो ये फॉर्मेट है, इस तरीके से आपको प्लान करना है। पहले से आप प्लान करेंगे तो अच्छे रहेंगे, पहले से प्लान करके चले कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो बहुत सही रहेंगे। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये मेरी तरफ से सारी की सारी टिप्स हैं आपके लिए। एंड सबका मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आपने ये वीडियो देखा मेरा, आपने इस काबिल समझा, आपने कीमती 20 मिनट मुझे दिया आपने। तो आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है मेरा एप्लीकेशन जीके डाइजेस्ट को, एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें, बहुत अच्छा एप्लीकेशन हमने बनाया है। हम फुल टाइम आज की डेट में मैं यही कर रहा हूँ, इस पर हम बहुत अच्छे पीडीएफ डाल रहे हैं, आर्टिकल्स डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, डेली क्विजेस डाल रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट जो है वो जीके डाइजेस्ट में जा रहा है। आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्ले स्टोर पर जाएं और जीके डाइजेस्ट को जरूर इंस्टॉल करें, और हमें फीडबैक दें कि हम कैसा काम कर रहे हैं। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कमेंट सेक्शन है, लाइक करें पहली बात तो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिए लाइक, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो सब्सक्राइब करें वीडियो को, हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का एक रेड बटन है। अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज कॉमेंट करें, नीचे कमेंट का बटन दिया, नीचे कमेंट का एक बॉक्स बना हुआ है, कमेंट करें। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो raman@bankexamstoday.com ये मेरा है ईमेल आईडी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, मुझे डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं। और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ये सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपको फ्यूचर में और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करें। अगर अच्छा रिएक्शन होगा, अच्छे लोग हमें लाइक वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं ऐसी वीडियोस रोज़ाना बनाऊंगा, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन आर्टिकल्स मैं ऐसे वीडियोस बनाना, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों से ऐसे इंटरेक्शन करना मुझे भी अच्छा लगता है। हो सकता है आने वाले 4-5 दिन में हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करें, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरा स्टडी मटीरियल पसंद आ रहा है, तो हम एक लाइव स्ट्रीम सेशन भी कर सकते हैं। आप वैसे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, मेरा नंबर भी ले लीजिए, वैसे तो 5 से लेकर 6 बजे तक आप कभी भी मुझे किसी भी दिन, संडे टू सैटरडे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 5 बजे से लेके 460 460 8671 हिंदी में 460 8170
4608671 ये मेरा नंबर है, आप कॉल कीजिए मुझे 5 to 6 PM के बीच में कॉल कीजिए, इस टाइम पे मैं मोस्टली फ्री रहता हूँ, आप कॉल कीजिए मुझे कभी भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।